वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर चैप्टर 10 बिजी पीपल। ठीक है, हेल्प द प्लम्बर टू रीच द लीकिंग टैप। दिस इज़ ए पजल फॉर यू एंड यू विल सॉल्व इट। है ना, आपको ये इसका कौन से वे से जाएगा ये वे आपको फाइंड आउट करना है, यहाँ से जा कर के ऐसे कैसे पहुँचेगा। ठीक है, यू विल डू योर सेल्फ। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर। देर आर मैनी पीपल हु हेल्प अस इन डिफरेंट वेज टू मेक आवर लाइफ ईजियर। दीज पीपल आर कॉल्ड हेल्पर्स। वी मस्ट रेस्पेक्ट आवर हेल्पर्स। बहुत सारे लोग होते हैं जो क्या करते हैं, हमारी लाइफ को आसान बनाने के लिए, ईजियर बनाने के लिए ऑलवेज रेडी टू हेल्प अस। वो हमेशा है ना, वो हमेशा क्या करते हैं, हमारी हेल्प करते हैं। दीज पीपल आर कॉल्ड हेल्पर्स, वी कॉल देम हेल्पर्स। जो हमारी हेल्प करता है तो सो वी आर कॉल्ड देम हेल्पर्स। वी मस्ट रेस्पेक्ट अवर हेल्पर्स, सो वी शुड ऑलवेज रेस्पेक्ट अवर हेल्पर्स। सी दिस इज द पिक्चर ऑफ ए डॉक्टर। ही लुक्स आफ्टर अवर हेल्थ। वॉट इज द जॉब ऑफ ए डॉक्टर? ही ऑलवेज रेडी टू लुक आफ्टर अवर हेल्थ, सॉरी हेल्थ। वो हमेशा क्या करता है, हमारी हेल्थ में हमें ठीक रखने के लिए हमें हमारी हमेशा हेल्प करता है। सेकेंड पोस्टमैन, है ना, ही ब्रिंग्स अस लेटर्स। वॉट इज़ द जॉब ऑफ द पोस्टमैन? ही ब्रिंग्स लेटर्स, पार्सल्स, है ना, टेलीग्राम्स फॉर अस। दिस इज द पिक्चर ऑफ ए पुलिसमैन। ही प्रोटेक्ट अस फ्रॉम थीव्स। पुलिसमैन का क्या जॉब है? ही ऑलवेज रेडी टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम। टेलर, ही स्टिचेज अवर क्लोथ्स। टेलर का क्या जॉब है? ही स्टिचेज आवर क्लोथ्स। जो कपड़े आप पहनते उसको कौन स्टिच करता है? टेलर। कॉबलर, ही मेंड्स आवर शूज़। कॉबलर का क्या वर्क है कि वो हमारे शूज़ को मेंड करता है। अगर कॉबलर आपके शूज़ नहीं बनाएगा तो आप क्या पहनोगे? कुछ नहीं पहन पाओगे, है ना। तो कॉबलर क्या करता है, हमारे शूज़ को मेंड करता है, हमारे लिए शूज़ है और स्लीपर्स को बनाता है। बार्बर, ही कट्स आवर हेयर। बार्बर क्या करता है, हमारे हेयर को कट करता है। आप हेयर कट के लिए कहाँ जाते हैं? बार्बर शॉप पर। कारपेंटर, ही मेक्स थिंग्स विद वुड। वॉट इज़ द जॉब ऑफ द कारपेंटर? ही मेक्स फर्नीचर फॉर अस, है ना, जिसमें आप स्कूल में कुर्सी पर और टेबल पर जो यूज़ करते हैं वो कौन बनाता है? कारपेंटर। देन वॉशरमैन, ही वॉशेज आवर क्लोथ्स। वॉशरमैन का क्या जॉब है? ही वॉशेज आवर क्लोथ्स। देन गार्डनर, ही लुक्स आफ्टर आवर गार्डन। वो क्या करता है, हमारे गार्डन की देखभाल करता है। आपके घर में, आपके स्कूल में आप देखा गार्डन है, कितने सारे प्लांट्स लगे हुए स्कूल, तो उन सबकी लुक आफ्टर कौन करता है? गार्डनर। तो दीज आर आवर हेल्पर्स। टिक द करेक्ट ऑप्शन। हियर आर टू पिक्चर्स एंड यू विल करेक्ट टिक द करेक्ट वन। पापा वांट्स टू बाई बटर, ही शुड गो ए। पापा को क्या चाहिए, बटर चाहिए, तो वो कहाँ जाएंगे? टू ए, ही शुड गो टू ए डॉक्टर। दिस इज द पिक्चर ऑफ ए डॉक्टर एंड दिस इज द पिक्चर ऑफ ए बेकरी शॉप। कहाँ जाएंगे हम बटर परचेज करने? टू ए बेकरी शॉप। सो दिस वन इज़ राइट। मम्मी नीड्स सम मिल्क, शी शुड गो टू ए। मम्मी को मिल्क चाहिए तो वो कहाँ जाएंगे? टू ए मिल्क मैन। एंड दिस इज़ द पिक्चर ऑफ ए टीचर, तो कहाँ से हम मिल्क लेंगे? फ्रॉम ए मिल्क मैन। सो दिस पिक्चर इज़ राइट। मैनी पीपल हेल्प अस इन अवर डेली लाइफ। बहुत सारे लोग डेली लाइफ में हमारी हेल्प करते हैं। वी हैव मैनी हेल्पर्स सच एज डॉक्टर्स, कारपेंटर, कॉबलर एंड अदर्स। सो दीज आर द सम नेम्स हु हेल्प अस इन आवर डेली लाइफ, है ना। डॉक्टर, कारपेंटर, कॉबलर, पुलिसमैन, गार्डनर, वॉशरमैन, देर आर सो मैनी पीपल हु हेल्प अस इन आवर डेली लाइफ। वी शुड ऑलवेज रेस्पेक्ट आवर हेल्पर्स। हमें अपने हेल्पर्स की हमेशा रेस्पेक्ट करनी चाहिए। ये नहीं कि कोई गार्डनर है या कॉबलर है तो बहुत छोटा काम कर रहे थे हम उनकी रेस्पेक्ट ना करें, है ना। हमें हर किसी की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। गोइंग टू फिनिश अवर एक्सरसाइज। फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स। आई ट्रीट द सिक, आई एम ए डॉक्टर। जो सिक लोगों को, बीमार लोगों को ट्रीट करता है वो कौन होता है? डॉक्टर। तो क्या हो जाएगा, आई एम ए डॉक्टर। आई स्टिच योर क्लोथ, आई एम ए हु स्टिचेज योर क्लोथ, वी कॉल हिम टेलर। तो क्या हो जाएगा, आई एम अ टेलर। आई वर्क इन ए पोस्ट ऑफिस, जो पोस्ट ऑफिस में वर्क करता है वो क्या होता है, आई एम ए पोस्टमैन। क्लियर। आई टेक केयर ऑफ प्लांट्स, जो आपकी प्लांट्स की, पेड़ पौधों की देखभाल करता है वो, उसको हम क्या बोलते हैं, आई एम ए गार्डनर। क्लियर। तो ये वर्क जो लोग करते हैं उनके हमें क्या करना है, उनके हमें आइडेंटिफिकेशन यहाँ पे लिखना है, वो लोग क्या क्या काम करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, तो ये हमको यहाँ पर लिखना है। क्लियर। सेकेंड, अनस्क्रैम्बल द लेटर्स टू फाइंड आउट द नेम्स ऑफ आवर हेल्पर्स। हियर आर सम वर्ड्स। ये कैसे आपको इसको अनस्क्रैम्बल करना है, ये स्पेलिंग कैसे रखी हुई है, ज़िगज़ैग ऑर्डर में लिखी हुई है ना, यहाँ पे लिखना है, तो फर्स्ट ऑर्डर में लिखनी है। तो फर्स्ट इज़ ओ एल आई ए टी आर, तो क्या होगा इसकी करेक्ट स्पेलिंग, टेलर। क्लियर। सेकेंड इज़ गार्डनर, थर्ड इज़ बार्बर, फोर्थ कॉबलर,
फिफ्थ इज पोस्टमैन एंड द सिक्स इज टीचर. ठीक है, समझ में आ गई. ये स्पेलिंग क्या करें, टेलर की स्पेलिंग को कैसे यहाँ पे लिख दिया है, गलत ऑर्डर में लिख दिया है ना, तो इसको आपको क्या करना है, ठीक करके यहाँ पे लिखना है. क्लियर हो गया. नाउ आंसर दिस क्वेश्चन. हियर आर गिवन सम क्वेश्चन आंसर. नेम थ्री हेल्पर्स यू सी एवरी डे. हु वॉशेज आवर डर्टी क्लोथ्स. वॉट डज ए टेलर डू फॉर अस. हाउ शुड बी ट्रीट पीपल हु हेल्प अस. तो हियर आर सम क्वेश्चन एंड आई विल प्रोवाइड यू आंसर ऑफ दीज क्वेश्चन. क्लियर. नेक्स्ट, फाइंड द नेम्स ऑफ पीपल हु हेल्प अस. राइट द नेम्स बिलो देयर पिक्चर्स. अब इसमें से क्या करना है, दिस इज ए पजल. इसमें से आपको क्या करना है, कुछ लोगों के पिक्चर्स. तो हियर आर सम पिक्चर्स है ना, एंड दिस इज द पजल. तो आपको क्या करना है, इस पिक्चर्स को देख करके यहाँ पर उनके नेम आपको सर्किल करने. तो फर्स्ट पिक्चर इज ऑफ कॉबलर. तो यू विल फाइंड हियर द स्पेलिंग ऑफ कॉबलर. तो दिस इज द स्पेलिंग ऑफ कॉबलर, सी ओ डबल बी एल ई आर. क्लियर. सेकेंड इज टेलर. तो वेयर इज टेलर, दिस टी ए आई एल ओ आर. तो इसको क्या करना है, यू विल सर्किल इट. थर्ड पिक्चर इज ऑफ पोस्टमैन. वेयर इज पोस्टमैन, दिस पी ओ एस टी एम ए एन है ना. तो यू विल सर्किल दिस पोस्टमैन. क्लियर. देन डॉक्टर, दिस इज डी ओ सी टी ओ आर. यू विल सर्किल इट. क्लियर. देन कारपेंटर, सी ए आर पी ई एन टी ई आर. दिस इज द स्पेलिंग ऑफ कारपेंटर. तो यू विल सर्किल इट. ठीक है, तो ये पिक्चर्स देख करके आपको इसमें यहाँ पर सर्किल करना है. एंड यू विल ऑल्सो राइट द नेम ऑफ द हियर. ठीक है, दिस पिक्चर इज ऑफ कॉबलर, यू विल राइट हियर कॉबलर. दिस पिक्चर इज ऑफ टेलर, यू विल राइट हियर टेलर है ना. ऐसे दिस पिक्चर इज ऑफ पोस्टमैन, यू विल राइट हियर पोस्टमैन. दिस पिक्चर इज ऑफ डॉक्टर, यू विल राइट हियर डॉक्टर. एंड दिस पिक्चर ऑफ कारपेंटर, यू विल राइट हियर कारपेंटर. क्लियर. Now this chapter is finished.